प्रदर्शन हमारे कांग्रेस के खेरवाड़ी के जितने भी हमारे नेता है, सम्माननीय सोशल मीडिया के मेरे साथी रमेश भाई पवार, हमारे मुंबई कांग्रेस के सचिव विष्णु आवल जी, हमारी महिला तालुका अध्यक्ष सम्माननीय वैशाली गाला जी और ऐसे तमाम सभी संगठनों के हमारे सभी नेताओं ने मिलकर ये धरना प्रदर्शन किया था। इस धरना प्रदर्शन का मकसद, मूल मकसद ये है कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट इस सरकार ने लाया है, इस एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करें कि इसको छेड़छाड़ ना करें। सरकार ने जिस तरीके से इसको मिसयूज़ किया है, इसको इन्होंने किसी भी प्रकार से इनको मान सम्मान देने का काम नहीं किया। जिस प्रकार से संपूर्ण देश में एससी एसटी ओबीसी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचारों को देखकर हमें ये डर लग रहा है कि कभी एट्रोसिटी एक्ट को ये लोग गलत तरीके से हटा के और दलितों पर जिस प्रकार से ये लोग अत्याचार कर रहे हैं उसको ना बढ़ाए। तो इस पर तो सरकार ने पटिशन भी फाइल कर दिया, रिव्यू फाइल कर दिया है, तो उससे भी आप अभी तक मतलब नाखुश हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब रिव्यू पटिशन किया, जब 2 अप्रैल हुआ, 2 अप्रैल होने के बाद सरकार थोड़ी जागी और अभी अभी हमारे सम्माननीय नेता संजय निरुपम जी ने बताया कि वो गलत हो गया, उसको हटा दिया गया, रिव्यू हटा दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि सरकार जिस प्रकार से जीएसटी को रात को 12 बजे ऑडियंस ला सकती है, उसी प्रकार से इसका भी रात को संसद में या संसद में इसको फिर से इसका ऑडियंस लाकर और ये कानून को उसी तरह से रखा जाए जिस प्रकार से 1995 में हमारे स्वर्गीय नेता और भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव जी गांधी ने इसको एक अमल में लाने का काम किया था, उसको फिर से अमल में लाया जाए। चलते चलते एक आखिरी सवाल, स्वच्छ भारत अभियान योजना जो है वो सबसे ज़्यादा सफाई कर्मी, आप उस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, तो क्या लगता है आपको, वो नाकाम रही है या उसको उसका बेनिफिट कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है स्वच्छता अभियान। आप जाकर देखिए कि इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला है। अमिताभ बच्चन जैसे, शिल्पा शेट्टी जैसे को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं सफाई कर्मी हूँ, आप जाकर देखिए हमारी हालत क्या है। जो लोग सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं उनको देखने का काम इस सरकार ने किया नहीं, उनको सोचने का काम किया नहीं, अंत्योदय अभी तक लगा ही नहीं। लाड पागे कमेटी इन्होंने बर्खास्त करके बंद करके रखी हुई है, जिससे कि हमारे लोगों को काम मिलना चाहिए था। असंगठित कामगारों के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। असंगठित बोर्ड बनाने की इन्होंने घोषणा की थी, वो असंगठित बोर्ड बनाया नहीं। सफाई कर्मियों को एक मुआवजा, एक लोन के तहत इनको इनका उद्धार करने के लिए दिया जाता था महात्मा फुले से, उसका सारा फंड हटा दिया गया है और इन्होंने महर्षि वाल्मीकि आर्थिक विकास महामंडल बनाने की इन्होंने घोषणा की थी, उसको भी अभी तक इन्होंने बनाया नहीं है। सफाई कर्मी बहुत बुरी तरीके से धोखे में आ गए और आज उनको लग रहा है कि हकीकत में कि मोदी सरकार ने उन्हें लूटा है और उसका जो भी पैसा है वो अमिताभ बच्चन जैसे, शिल्पा शेट्टी जैसे लोगों को दे दिया, जिन्होंने आज तक, आप देखिए शिल्पा शेट्टी हो या अमिताभ बच्चन, उन्होंने कभी अपने घर में भी सफाई का काम नहीं किया, तो वो सफाई के एम्बेसडर बना दिए गए। जी, आप युवा नेता हैं, क्या कुछ